कि जब मैं मंजिल को पाने निकला जब मैं मंजिल को पाने निकला तो बीच रास्ते में कहीं एक खूबसूरत सा साहिल मिल गया। जब मैं मंजिल को पाने निकला तो बीच रास्ते में कहीं एक खूबसूरत सा साहिल मिल गया। और जब चला पाने साहिल को और जब चला पाने साहिल को तो देखो मैं मंजिल ही भूल गया तो देखो मैं मंजिल ही भूल गया। उसके बाद था कि जब तक होश आया मुझे मंजिल का, मतलब कि लोग घूम घाम लिए, उसके बाद में याद आया भैया अपन तो PSC करना आए थे, तो कि जब तक होश आया मुझे मंजिल का तब तक वक्त तो बीत चुका था। जब तक होश आया मुझे मंजिल का तब तक वक्त तो बीत चुका था। और जब याद किया मैंने साहिल को, मतलब सब कुछ बीतने के बाद सोचा कि चलो भैया मंजिल तो छूट गई, चलो साहिल तो अपने साथ है, इससे बात करते हैं, इससे टाइम पास करते हैं, तो कि जब तक जब होश आया मुझे मंजिल का तब तक वक्त बीत चुका था। और जब याद किया मैंने साहिल को तो देखो वो भी कहीं छूट चुका था। जब याद किया मैंने साहिल को तो देखो वो भी कहीं छूट चुका था। मैंने तो सोचा था साहिल का साथ होगा तो मंजिल को पालूंगा। मैंने तो सोचा था कि साहिल का साथ होगा तो मंजिल को पालूंगा, पर ये अंधी आंखें ये ना देख पाई कि अगर मंजिल होगी तो साहिल भी साथ होगा, कि मंजिल होगी तो साहिल भी साथ होगा। उसके बाद लिखता हूँ कि उस वक्त साहिल की हर बात मुझे अच्छी लगा करती है। मतलब जब होता है ना कि नया नया प्यार, मतलब नए नई फीलिंग्स और रातों रातों घंटों घंटों बातें करना, मैं खुद का वैसे शेयर कर सकता हूँ, यहाँ पे फैमिली है नहीं तो चलता है, तो कि रात की 11 बजे से सुबह 7 बजे तक बात करी है मैंने तो उसके ऊपर था कि उस वक्त साहिल की हर बात अच्छी लगा करती है, उस वक्त साहिल की हर बात दिल को अच्छी लगा करती है और मंजिल की हर बात मेरे दिल को चुभा करती है। उस वक्त साहिल की हर बात मुझे अच्छी लगा करती है और मंजिल की हर बात मेरे दिल को चुभा करती है, पर वक्त ने भी आज अपना खेल दिखाया है, पर वक्त ने भी आज अपना खेल दिखाया है। जो बातें मीठी लगा करती थी आज उन्हीं बातों ने अपना असर दिखाया है, जो बातें मीठी लगा करती थी उन्हीं बातों ने आज अपना असर दिखाया है। उसके बाद था कि जो हंसा सकती थी, मतलब मंजिल पाने के बाद मैं खुश रह सकता था, मैं अपने बहुत अच्छे, मतलब ये जो है इससे अच्छे को पा सकता था, तो वो था कि जो हंसा सकती थी वो रुला आज वो रुलाती है, जो हंसा सकती थी आज वो रुलाती है। ओ मेरी मंजिल तू आज भी मुझे बड़ा याद आती है, ओ मेरी मंजिल तू आज भी मुझे बड़ा याद आती है। उसके बाद था कि जैसे वक्त बीत चुका है, टाइम हो चुका है, तो आप वैसे भूल जाते हो या फिर कुछ दूसरा अचीव कर लेते हो, लेकिन फिर भी दिल में एक बात रहती है कि यार मेरा एक सपना था जिसको मैंने सोचा था, काश अगर वो आज मेरे पास होता तो मैं कुछ और होता या फिर मुझे अच्छी फीलिंग होती। तो उस पे था कि जिंदगी का ये जख्म तो भर चुका है, जिंदगी का ये जख्म तो भर चुका है, लेकिन इसके निशान आज तक जिंदा हैं, लेकिन इसके निशान आज तक जिंदा हैं। आज भी जब निकलता हूँ उन गलियों से, आज भी जब निकलता हूँ उन गलियों से, तो उस अधूरी मंजिल और उस अधूरे साहिल की याद मुझे बड़ी याद सताती है। और जब भी याद आती है उस अधूरी मंजिल की, और जब भी याद आती है मुझे अधूरी मंजिल को और वो अधूरा साहिल, तो यार उनकी याद मुझे बड़ा रुलाती है, तो यार मुझे उनकी याद बड़ा रुलाती है। पाना क्या था पा क्या गए, देखो हम साहिल के भरोसे मंजिल को ही भूल गए। उसके बाद था कि मंजिल मेरी हकीकत थी, साहिल मेरा ख्वाब, मैंने हकीकत को छोड़ ख्वाब को अपनाया, और जो कभी मेरा था ही नहीं, मैंने हर जगह सिर्फ उसे ही अपना फरमाया। उसके बाद था कि साहिल के भरोसे मैंने मंजिल को छोड़ दिया, और आज देखो जब मंजिल न मिली तो उस बेवफा साहिल ने मुझे यहीं छोड़ दिया। उसके बाद लिखता हूँ मंजिल के लिए कि ए मंजिल मुझे माफ़ करना, मैं तुझको समझ नहीं पाया,
ए मंजिल मुझे माफ करना, मैं तुझे समझ नहीं पाया। तू मेरा तो था पर मैं कभी तुझे अपना बना ना पाया। तू मेरा तो था पर मैं तुझे कभी अपना बना ना पाया। उसके बाद कुछ लाइंस और बच गई थी तो लिखता हूँ कि हर एक कहानी अब पुरानी हुई। देखो राधा भी शाम की दीवानी हुई। अरे हर एक कहानी अब पुरानी हुई, देखो राधा भी शाम की दीवानी हुई। सोचा था कल फिर मिलूंगा उससे घर के पीछे, पर देखना ये कैसी अजीब सी कहानी हुई। उसके बाद था कि तेरे हुस्न में वो नूर था कि मैं तेरे इश्क में चूर था। तुझसे की थी मैंने बेइंतहा मोहब्बत। बस यही मेरा कसूर था कि अरे भाई जाओ जाओ हाँ उस पगली के पास जाओ और उस पगली को समझाओ। कि यूँ कोरे कागज पे हर किसी का नाम लिखा नहीं करते, और अपने यार को यूँ सरेआम बदनाम किया नहीं करते। थैंक यू सो मच।